ये सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम इनसे बहुत अच्छी है, ये साउथ अफ्रीका की लाइक बी टीम है और बहुत सारे प्लेयर मिसिंग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से। आज साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का दूसरा T20 था और पाकिस्तान ने पहला मैच बड़ा आसानी के साथ जीता, मगर दूसरा मैच में पाकिस्तान बिल्कुल हिम्मत हार गया और पाकिस्तान की जो पहले मैच की परफॉर्मेंस और दूसरे मैच की परफॉर्मेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पाकिस्तान बॉलिंग में भी फ्लॉप हुआ, पाकिस्तान बैटिंग में भी फ्लॉप हुआ, इवन पाकिस्तान फील्डिंग में भी फ्लॉप हुआ। और ये सूरत हाल थी, पाकिस्तान ने हसनैन को चांस दिया और वो फ़ख्र जमान की जगह शर्जील खान को खिलाया गया, मगर वो कामयाब तजर्बा नहीं रहा पाकिस्तान के लिए। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों फ़ख्र जमान को पाकिस्तान ने ड्रॉप किया। फ़ख्र जमान ने वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है शर्जील खान एक T20 प्लेयर हैं, बट ये है कि जो कंसिस्टेंट कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है उसको तो नहीं ड्रॉप करके किसी और को खिलाना चाहिए, बट ये पाकिस्तान के कप्तान की और कोच की सोच थी। उसके अलावा पाकिस्तान ने जब टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, वो भी पाकिस्तान के हक में नहीं गया, पाकिस्तान हिम्मत हार गया 140 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। जिसमें अगर बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान का टॉप परफॉर्मर्स जो हर मैच में परफॉर्म कर रहा था, बाबर आजम और रिजवान, ये दोनों ऐसे प्लेयर जो पाकिस्तान के ऑलमोस्ट एवरी सिंगल मैच में परफॉर्म थे। रिजवान आज 0 पे आउट हो गए, उसके साथ न्यू अराइवल शर्जील खान आए जो 2016 के बाद अब ये मैच खेले इंटरनेशनल मैच, और उन्होंने अपना खाता कोई अच्छा नहीं खोला, उन्होंने 8 रन बनाए 12 बॉलों पे। और बाबर आजम थोड़ा स्लो, धीमे कछुए की मान से, कछुए की चाल की तरह स्लो खेले, पर वो भी मैच को आगे ना बढ़ा सके क्योंकि उनका कोई भी प्लेयर, पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बैटिंग काफ़ी फ्लॉप हो रही है वनडे में भी T20 में भी। अब पाकिस्तान को सोचना है कि जो मिडल ऑर्डर बैटिंग है उसमें किस बंदे को चांस दिया जाए। मोहम्मद हफीज़ साहब अच्छा खेले, आज 32 किए उन्होंने 23 बॉलों पे, और उसके अलावा कोई भी प्लेयर इतने अच्छे स्ट्राइक के साथ नहीं खेल सका। हसन अली ने 12 रन बनाए, उन्होंने 2 छक्के मारे हैं, वो उसके अलावा और कोई प्लेयर ऐसा नहीं था जो पाकिस्तान की तरफ से परफॉर्म कर सके। पाकिस्तान 140 पे आउट हुए। और बॉलिंग की बात करें, जॉय लिंडा ने 3 विकेट लिए और विलियम ने 3 विकेट लिए, उसके अलावा इकोनॉमिकल सारे बॉलर रहे हैं। और पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान बॉलिंग में भी काफ़ी फ्लॉप हुआ है। हमारे जो टॉप ऑर्डर के टॉप बॉलर थे स्ट्राइकर, उसमें शहनशाह अफरीदी ने 3 ओवर में 30 रन दिए, और नवाज़ भी आज कामयाब हुए, कल लास्ट गेम में 3 विकेट ली थी, इस मैच में 3 ओवर में 29 रन पड़े हैं, ये सूरत हाल थी। उसके अलावा हसनैन ने 1 विकेट ली और उस्मान कादर महंगे भी रहे मगर 2 विकेट उन्होंने लिए, और साउथ अफ्रीका ने 14 ओवर में 140-41 रन चेज कर दिया और पाकिस्तान को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान ना बॉलिंग में कामयाब हो सका, ना पाकिस्तान बैटिंग में कामयाब हो सका। अगर फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग में भी पाकिस्तान फ्लॉप, तीनों शोबे में पाकिस्तान ने किसी भी जगह पर परफॉर्म नहीं किया। देखिए, सम टाइम बैटिंग फ्लॉप होती है तो बॉलिंग उनको सहारा देती है, अगर बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सारी चीज़ें रह जाएं तो फिर पाकिस्तान की टीम क्या करेगी। यो सूरत हाल पाकिस्तान के साथ ये इस T20 मैच में हुई है, ऐसी ही सूरत हाल हर टीम के साथ होगी जो इवन ऐसी परफॉर्मेंस देगी। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के, देखें मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान बहुत डाउन है। अब देखें, अब बाबर आजम एक साइड पर खड़ा था तो हफीज़ ने स्ट्राइक थोड़ा बढ़ाया, उसने अच्छे स्ट्राइक के साथ बैटिंग की, उसके बाद हैदर अली आ गए। हैदर अली भी आसफ अली की तरह ही खेल रहे हैं। किसी भी मैच में आपको स्ट्राइक रेट नहीं देखना, आपको ये देखना है कि एक प्लेयर 200 के स्ट्राइक से खेल रहा है और 10 रन बनाए तो ये क्या फ़ायदा उस टीम का, उस प्लेयर का। तो यही चीज़ें हैं हमें देखना चाहिए कि हैदर अली लाइक आसफ अली, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो बिग हिट मार सकते हैं, मगर सिंगल लेने के लिए भी हमें थोड़ी हिम्मत चाहिए। जो सिंगल्स बहुत ज़रूरी है हर क्रिकेट में, T20 में आप देखें 120 बॉलों पे अगर आप 70 रन सिंगल के साथ बनाते हैं तो 20-30 बाउंड्री लगती हैं। तो पाकिस्तान का स्कोर देख लें, जब किसी की टीम का भी स्कोर को अगर आप कंपैरिजन कर लें तो 170-60-70-80 रन जाता है। तो पाकिस्तान कभी ये नहीं सोच रहा कि सिंगल लें सिंगल लें, सिंगल एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और होनी भी चाहिए। अगर बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो उसको हर बॉल पर सिंगल हो तो उसको गुस्सा आता है, ऐसे ही बैट्समैन की बात करें तो वो अगर सिंगल लेता है तो
तो उसका स्ट्राइक अच्छा होता है, एक बाउंड्री लगती है तो ओवर में 8-9-10 रन हो जाता है, अगर 8-9 रन हो तो 180 बन जाते हैं। यही चीज़ है और इस चीज़ को समझना चाहिए हमें, पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर को थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना है। फहीम अशरफ ने भी आज परफॉर्म नहीं किया, ये 2-3 प्लेयर पाकिस्तान के जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं यही हैं। बाबर आजम ने 50 बॉलों पर 50 रन बनाए, वो कछुए की चाल की तरह स्लो स्लो खेलते रहे हैं, मगर ये है कि अगर उनका कोई सहारा बनता तो शायद पाकिस्तान का थोड़ा स्कोर बेहतर होता। मगर जो साउथ अफ्रीका ने रिस्पॉन्स दिया वो बड़ा अच्छा था, इसमें मैक्रम उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, उसने 50 लास्ट मैच में 50 उसने बनाई, उसके बाद लिंडा ने भी 30 रन बनाए, 20 रन बनाए 10 बॉलों पे, उसके बाद हेनरिक उनके कप्तान हैं उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वो नॉट आउट रहे, उन्होंने 36 रन बनाए 21 बॉलों पे। ये सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम इनसे बहुत अच्छी है, ये साउथ अफ्रीका की लाइक बी टीम है और बहुत सारे प्लेयर मिसिंग है, बट पाकिस्तान को अब अगले मैच में सोचना है कि ये जीतना कैसे है। अच्छा खेलें, पॉजिटिव खेलें तो मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट भी अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपका, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और इंशाल्लाह आपके साथ हर एक अपडेट के साथ रहूँगा। कल हम आईपीएल के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।